बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे बच्चों, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगे। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 रेशोज के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वर्कशीट नंबर 3 के पेज नंबर 84 के ऊपर। आज हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे, तो वीडियो एंड तक देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कोई बात समझ में नहीं आए तो जरूर कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स टू द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन अ बॉक्स was in the ratio 4:1। आपके पास एक बॉक्स है और बॉक्स के अंदर आपको रेशो बताया गया है दो तरह की बॉल्स का, और वो क्या है बच्चों, वो ये है कि आपके पास एक तरह की जो बॉल्स हैं वो हैं आपके पास ब्लू और बाकी जो बॉल्स हैं वो रेड बॉल्स हैं। तो ब्लू बॉल्स के जो यूनिट्स हैं वो 4 हैं और रेड बॉल्स का सिर्फ 1 यूनिट है। उसके बाद आपसे कहा आफ्टर 8 ब्लू बॉल्स एंड 4 रेड बॉल्स वर एडेड टू द बॉक्स। अब क्या हुआ कि इसके अंदर आपने कुछ ऐड कर दी 8 बॉल्स और कुछ 4 बॉल्स यहाँ पर ऐड हो गई। उसके बाद जो इनका रेशो था वो चेंज हो गया और वो रेशो कम हो गया, क्योंकि आप देख सकते हैं पहले रेशो 4:1 था, अब 3:1 हो गया। तो जब भी बच्चों इस तरह का क्वेश्चन हो कि क्वांटिटी आपकी बढ़ रही हो, रेशो आपका कम हो रहा हो, तो वहां पर सबसे पहली जो चीज क्लिक करेगी वो ये है कि आपने जो रेशो कम हो रहा है जहां पर, हालांकि क्वांटिटी बढ़ रही है, तो आपने वहां पर रेशो को डबल कर देना है ताकि जो आपका पहले वाला रेशो था वो आपका छोटा हो जाए और बाद वाला रेशो आपका ग्रेटर हो जाए। अगर फिर भी आपका ग्रेटर नहीं होता तो आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जो आपके पास नेक्स्ट रेशो दिया हुआ है। जैसे यहां पर फॉर एग्जांपल मेरे पास 3:1 है, मैं सबसे पहले क्या करूंगी, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास यहां पर नया रेशो बन जाएगा 6:2 का। लेकिन ये 6:2 मेरे पास ग्रेटर हो गया 4:1 से, तो मुझे मजीद इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला रेशो होता 7:5 का या 7:3 का, तो फिर मैं क्या करती कि मैं 3:1 को 2 के बजाय 3 से मल्टीप्लाई करती, तो 3 3s are 9 और 1 3s are 3 मेरे पास यहाँ पर रेशो आता 9:3, जो कि 7:3 से बड़ा हो जाता। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पास जहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा है उसका रेशो भी आपके पास ग्रेटर होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर एक मॉडल से समझते हैं तो हमें ये क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर गौर से देखिए स्टूडेंट्स, हो क्या रहा है। यहाँ पर हमारे पास जो इनिशियल रेशो था वो तो आसान बात थी, 4:1 का था, 4 हमारे पास यूनिट्स थे ब्लू बॉल्स के और 1 यूनिट था हमारे पास रेड बॉल्स का। उसके बाद फिर हमने कहा कि भाई हमारे पास जो फाइनल रेशो है ना उसको जरा चेंज कर देते हैं हम, 3:1 की बजाय हमने क्या किया उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 6:2 कर दिया। अब इसको करने से हमें फायदा क्या होगा स्टूडेंट्स, कि हमारे पास 8 यूनिट्स तो पहले ही से थे, ठीक है, और हमारे पास अब जो है वो 8 ब्लू बॉल्स ऐड हुई हैं और हमारे पास जो नया रेशो है ब्लू बॉल्स का वो कितना है, 6 यूनिट्स है। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई 4 यूनिट्स तो पहले थे, अब टोटल 6 यूनिट्स है, तो इसका मतलब है जो 2 यूनिट्स हमारे पास इंक्रीज हुए हैं वो 8 बॉल्स के बराबर होंगे। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास रेड बॉल्स के अंदर भी कुछ एडिशन हुआ है, रेड बॉल्स हमारे पास 4 ऐड हुई हैं और इसके अंदर यूनिट हमारे पास 1 से 2 हो गए, तो इसका मतलब है कि यहां पर जो 1 यूनिट हमारे पास ऐड हुआ है वो बराबर होगा 4 बॉल्स के। ठीक है, तो जो जो हमारे पास एडिशन हो रहा है ना स्टूडेंट्स, हमने वो यहां पर इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ऐड कर दिया। ऐसा करने से हमें यहां पर स्टूडेंट्स फायदा क्या होगा कि हमें जो एडिशन हो रहा है नंबर ऑफ यूनिट्स का उसके अगेंस्ट में टोटल बॉल्स मालूम है। ठीक है, तो हम यहां पर क्या कहेंगे, सबसे पहले एक छोटी सी हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे यहां पर कि आफ्टर ब्लू 8 बॉल्स एंड 4 रेड बॉल्स वर एडेड टू द बॉक्स द रेशो डिक्रीज। हमने देखा था ना रेशो डिक्रीज हो गया था 4:3 हो गया था, ये तो 1 सेम रहा था लेकिन ये 4:3 हो गया था, सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 2। हम सिर्फ फाइनल रेशो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल रेशो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, 3:1 से 6:2 का हो जाएगा, 6:2 का हो जाएगा। और यहीं से हमें ये बात पता चल जाएगी कि नाउ डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल रेशो ऑफ ब्लू बॉल्स अगर हम देखते हैं तो 2 यूनिट्स हमारे पास यहां पर इंक्रीज हो रहे हैं और ये हमें इन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि 8 बॉल्स के बराबर है, जो डिफरेंस है वो 8 बॉल्स के बराबर है। तो 2 यूनिट्स अगर 8 बॉल्स के बराबर हैं तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 8/2, दैट इज 4 बॉल्स के। और हमसे सवाल क्या पूछा है कि हाउ मेनी ब्लू बॉल्स वर देयर एट फर्स्ट, तो हमें ये बात पता है कि हमारे पास एट फर्स्ट 4 यूनिट्स थे बॉल्स के, और अगर 1 यूनिट बराबर है 4 बॉल्स के तो 4 यूनिट्स बराबर हो जाएंगे
4x4 दैट इज 16 ब्लू बॉल्स के। और यहाँ पर अगर आप चाहें स्टूडेंट्स तो इससे भी कर सकते हैं अपने कि अगर जो डिफरेंस है आपके पास अब यहाँ पर जो फाइनल रेशो है रेड बॉल्स का तो वो 2 यूनिट्स हो गया है और इनिशियल रेशो उसका 1 यूनिट था, तो 2 - 1 1 यूनिट बनता है जो कि बराबर है 4 बॉल्स के। तो चाहे आप इससे सॉल्व करें चाहे आप इससे सॉल्व करें, दोनों सूरतों में आपके पास जो पर यूनिट है वो 4 बॉल्स के बराबर ही आएगा। और जब आपको पर यूनिट निकल आता है स्टूडेंट्स तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना कुछ भी मुश्किल नहीं रहता। हमारा आज का क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। रिजल्ट में आप लिख दीजिएगा कि देयर वर 16 ब्लू बॉल्स एट फर्स्ट, यानी कि हमारे पास इनिशियली 16 बॉल्स थी फिर 8 बॉल्स उसके अंदर ऐड हुई तो 24 बॉल्स हमारे पास आखिर में आ गई थी। यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई भी क्वेश्चन हो क्वेरीज हो कॉमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।